नमस्कार, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक और चाट की रेसिपी, और ये चाट है रगड़ा पैटिस। रगड़ा पैटिस नाम बहुत भयंकर सा है, लेकिन यकीन मानिए इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत ही सिंपल हैं। रगड़ा यानी कि वटाना बीन्स, या जिसे हम सफ़ेद मटर भी कहते हैं, और पैटिस यानी कि आलू की टिक्की। तो आलू की टिक्की जो सर्व करी जाती है सफ़ेद मटर के साथ, और बन जाती है एक बहुत ही डिलिशियस सी चाट। खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, सूखा चटनी, अब कोई भी चाट बिना चटनियों के है अधूरी। तो बना लेते हैं चटनियाँ, कैसे चलिए देखिए बताती हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी चटपटी सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, जानते हैं ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की चाट कितनी चटपटी थी। तो चलें मुंबई और बना लें रगड़ा पैटिस। तो रगड़ा पैटिस कहा था ना, बहुत ही साधारण से इंग्रेडिएंट से बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलिशियस सी डिश। अब कोई भी चाट बिना चटनियों के है अधूरी। तो सबसे पहले बना लेते हैं चटनियाँ, और चटनियों में सबसे पहले बना लेते हैं खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी। तो इस इमली की चटनी के लिए सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। तो एक कप इमली का पल्प ले लेंगे, और मैं ले रही हूँ एक कप जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर, आप चाहें तो गुड़ को कस भी सकते हैं। इसमें ऐड करूंगी ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, एक टीस्पून भुना जीरा पाउडर, और एक टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक टीस्पून काला नमक, एक टीस्पून सादा नमक, और एक छोटी सी चुटकी हींग की भी। इन्हें स्टर कर लीजिए। इसमें तकरीबन क्वार्टर कप वाटर मैं ऐड कर दे रही हूँ, और इसे अब तब तक पका लूंगी जब तक इसकी एक सिरपी कंसिस्टेंसी की चटनी रेडी नहीं हो जाती। तो जब तक हमारी खट्टी मीठी चटनी पकती है तब तक हरी चटनी को भी पीस लिया जाए। तो हरी चटनी बनाने के लिए धनिया पुदीना ये ले लेंगे, और इसके साथ ले लेंगे 3 से 4 हरी मिर्च भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हरी मिर्च कितनी तीखी है। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून भुना हुआ काला चना जिसके छिलके मैंने हटा दिए हैं, और ऐड करूंगी 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और साथ ही साथ में 1/2 चम्मच जीरा भी, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे इसमें, नमक ऐड कर लेंगे इसमें, 1/4 कप पानी, और अब इसकी बढ़िया सी एक चटनी पीस लेते हैं। तो हरी चटनी डन, इसे निकाल लीजिए। लेट्स चेक आउट आर खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी एज वेल। तो ये देखिए इसमें कैसे चमक आ गई है, कैसा एक सिरपी सा ग्लेज और टेक्सचर आ गया है, यानी कि हमारी चटनी इज रेडी। गैस को करते हैं बंद, इसे भी निकाल लिया जाए। तो ये दो चटनियां तो हो गई गीली चटनियां। जानते हैं एक सूखा चटनी भी बनती है, वो एक्चुअली एक मसाला होता है जो ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता है, चलिए वो भी बना लिया जाए। अब ये सूखा चटनी बनाने के लिए ना मुझे चाहिए थोड़ा सा पीनट्स यानी कि मूंगफली। तो मैं ले रही हूँ 1/2 कप पीनट्स। अब इस मूंगफली को लाइटली रोस्ट कर लेंगे हम। जब ये मूंगफली थोड़ी सी भून जाएगी इसे मैं एक कपड़े पे निकाल लूँगी और इसे रगड़ दूँगी। ऐसा करने से जानते क्या होगा, इसका छिलका आसानी से उतर आएगा। जहाँ छिलके ना उतरे हों अपने हाथों से इन्हें रब करके मूँगफली के आप छिलके हटा दीजिए। लीजिए This is done. इसे फटा करके इसके छिकल आप हटा दीजिए और मूंगफली हमारी क्लीन हो गई। अब अपने पैन में मैं ले रही हूं 1 टीस्पून ऑयल, और इसमें ऐड करूंगी लहसुन। जितनी मैंने मूंगफली ली है ना उतना ही लहसुन भी ले रही हूं, और इस लहसुन को हल्का सा पहले फ्राई कर लूंगी। इसी के साथ ऐड कर दूंगी इसमें 5 से 6 होल रेड चिलीज भी, और इनको भी लहसुन के साथ हम भून लेंगे ताकि रेड चिलीज भी फ्रेग्रेंट हो जाएं। इसी के साथ इसमें ये मूंगफली भी ऐड कर दूंगी, और इनको भी मैं हल्का सा भून लूंगी।
जब लहसुन थोड़ा गोल्डन हो जाएगा और मिर्च भी थोड़ी फ्रेग्रेंट हो जाएगी, इसे हम पीस लेंगे। ऐड करेंगे इसमें नमक, मैं एक टीस्पून इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और एक टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अब इसको ग्राइंड करके इसका एक कोर्स पाउडर बना लेते हैं। माई सुक्का चटनी ऑल्सो डन। थोड़ा सा इसे कोर्स और ग्रेनी ही रहने देंगे हम, और इसे भी निकाल लेते हैं अब अपने जार में। रगड़ा पैटीज बन रही हैं, तो उसके लिए पहले रगड़ा तो बना लिया जाए ना। अब ये रगड़ा क्या होता है? रगड़ा होता है प्लेन एंड सिंपल बॉइल्ड सफेद मटर, जिसे कि वटाना बीन्स भी कहते हैं। ये वटाना या सफेद मटर जिसे हम जानते हैं, इसे हम उबाल लेंगे केवल नमक और थोड़ी सी हल्दी के साथ। मटर को मैंने सोक करके रख दिया था ओवरनाइट, आप चाहे तो 6 से 7 घंटे के लिए इसे सोक कर दीजिए। और अब इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नमक और हल्दी, आधी छोटी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, और इसमें ऐड कीजिए पानी। अगर 1 कप आपने मटर भिगोई है तो 3 कप चाहिए होगा हमें पानी। कहा था ना आपसे, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके, आलू की टिक्की और साथ में सफेद मटर का बेस। अच्छा, आलू कौन सा लेना है इसके लिए? आलू हमें चाहिए पहाड़ी आलू, या कोई ऐसा आलू जो मीठा कम हो और जिसमें स्टार्च थोड़ी कम हो। तो कोशिश कीजिए वो जो पीला वाला आलू होता है ना, वो ना लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब आलू कद्दूकस कर रहे होते हैं तो आलू एकदम लेस छोड़ देता है, बिल्कुल गूई हो जाता है। तो क्या किया जाए इसे प्रिवेंट करने के लिए, एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप आलू को कद्दूकस करें, आलू गर्म होना चाहिए। गर्म आलू लेस नहीं छोड़ता है, और अगर आलू आपका ठंडा होगा ना, आप नोटिस करेंगे वो बहुत ज़्यादा गूई हो जाएगा, यानी कि स्टार्ची हो जाएगा, एंड वी डोंट नीड दैट। अब इस ग्रेटेड पोटैटो में मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा भुना जीरा पाउडर और नमक। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपकी टिक्की को क्रिस्प बनाने के लिए। बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें मैदा ऐड कर दीजिए या कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए। ना, वो मत ऐड कीजिएगा, उसकी जगह ऐड कीजिएगा ये पोहा का पाउडर। जी हाँ, पोहा मिक्सी में पीस करके उसका बना लीजिए पाउडर, और उसे ऐड कर दीजिए आलू में। अगर आपका आलू गूई हो गया है या रनी हो रहा है, तो वो सारे मॉइस्चर को भी अब्सॉर्ब कर लेगी और साथ ही साथ में टिक्की को भी क्रिस्प कर देगी। एंड नाउ जस्ट मिक्स दिस अप। देखिए, ऑलमोस्ट लाइक अ डो ये रेडी हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द पोहा ये काफ़ी क्रिस्प भी बनेंगी। अब इनको पहले टिक्की की तरह से शेप कर लिया जाए। अब अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा ले रही हूँ मैं, और इसकी टिक्की शेप कर लूँगी। अब इस डो की आप टिक्कियाँ बना लीजिए लाइक दिस। ध्यान बस इस बात का रखेंगे कि हमारी टिक्की पर कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। वैसे यकीन मानिए, किसी से भी अगर आप पूछे ना कि भाई कहाँ की, कौन से शहर की चाट सबसे अच्छी है, तो सब कहेंगे भाई हमारे शहर की। अब मैं लखनऊ वाली हूँ, तो मुझे लगता है कि लखनऊ की चाट से बेटर कहीं नहीं मिलती। दिल्ली वाले कहेंगे अरे चाट चाट तो हम बनाते हैं। आगरा वाले कहेंगे कि हमारी जैसी चाट कहाँ, और मुंबई वाले कहेंगे हमारी चौपाटी की चाट से बेटर चाट कहीं नहीं मिलेगी। तो वो बेसिकली एक, मुझे लगता है, टेस्ट डेवलप हो जाता है हमारा अपने शहर की चाट के साथ। तो बस उस प्यार भरे रिश्ते को आज थोड़ा सा हम लोगों ने और फैला दिया है, और केवल अपनी शहर की नहीं, हर शहर के जो स्ट्रीट फूड है ना, उसको हम इंजॉय करते हैं। तो अब लेते हैं अपने तवे पे थोड़ा सा तेल, और अपनी टिक्की यानी कि आलू पैटिस को कर लेते हैं हम गोल्डन फ्राई। टिक्की को हम सेक लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती है। टर्न दिस, फ्लिप दिस ओवर, और दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा पक जाने दीजिए। मटर की भी पकने की खुशबू आ चुकी है, गैस को करते हैं बंद, इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, और जब इसका प्रेशर निकल जाएगा इसे खोल करके मटर को भी निकाल लेंगे।
मटर जब ऐसे पक जाएगी, इसे मैं एक बड़े से फ्राइंग पैन में निकाल लूंगी और धीमी धीमी आंच पे इसे देर तक पकने दूंगी। क्यों? ताकि ये अपना स्टार्च रिलीज करे और जो हमारा रगड़ा है वो एकदम गूई और स्टार्ची हो जाए। पिछले 15 मिनट से ये मटर पक रही है और देखिए ये कितनी गूई हो गई है, कितना इसने अच्छा सा स्टार्च छोड़ दिया है। और धीमी धीमी आंच पे हमारी टिक्कियाँ भी यहाँ सिक रही हैं। तेज़ आंच पे टिक्की को कभी नहीं सेकिएगा, नहीं तो वो कुरकुरी नहीं होती है। इसीलिए इसे धीमी धीमी आंच पे आप बढ़िया से सिकने दीजिए ताकि ये कुरकुरी हो जाए। चाट वाला या कहूँ चाट वाली है तैयार रगड़ा पैटीज आपके लिए सर्व करने के लिए। तो चलिए बताती हूँ कि रगड़ा पैटीज को सर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले अपनी प्लेट में हम लेंगे रगड़ा यानी कि बॉइल्ड मटर और इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी पैटिस यानी कि आलू की टिक्की। ऐड करेंगे इस पे अपनी दोनों चटनियाँ, द ग्रीन चटनी, बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा चाट मसाला पाउडर, ग्रीन चिलीज, ये सूखा लाल चटनी, थोड़ी देगी मिर्च फॉर अ नाइस कलर, टॉप इट विथ सम बारीक कटी हुई सेव एंड देयर वी आर। तो लेते हैं मुंबई चौपाटी की रगड़ा पैटीज का मजा घर पर ही। कहा था ना आपसे मुंबई की रगड़ा पैटीज का स्वाद आज लेकर आएंगे घर पर ही। कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स है ना, केवल आलू की टिक्की और उसके साथ सफेद मटर, और फिर भी बन गई कितनी बेहतरीन सी चाट।